मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा नकली खाद वितरण को लेकर धरना प्रदर्शन और घेराव। बीजेपी के नेता केदार कश्यप ने कहा, किसानों का पैसा वापस करे सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। विश्व आदिवासी दिवस के दिन रैली से लौट रहे हादसे से घायलों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। और शहर में सजने लगी राखी की दुकानें, मेटल राखी की बड़ी मांग। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। अब समाचार विस्तार से, मैं नीलम। प्रदेश में किसानों को नकली खाद और मिट्टी मिली हुई वर्मी कंपोस्ट देने के विरोध में आज गुरुवार को शहर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा सिरहासार चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया है, उन्हें नकली खाद दी जा रही है। इस बारे में पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार किसानों का पैसा वापस करे। हमारे किसानों को दिया जा रहा है, मेरा हम लोग अभी किसानों से सभी से चर्चा कर रहे हैं, कोई किसान इसको अपने खेत में डालने को तैयार नहीं है। आखिर किस आधार पर इस सरकार ने हमारे लोगों को इस वर्मी कंपोस्ट के नाम पर ठगने का काम किया है और सरकार आज ये कह रही है कि इसको जबरदस्ती लो और अपने खेतों में डालो। हम कांग्रेस की सरकार से कहते हैं, हमने ये खाद आपको वापस किया है और इस खाद को आप अपने खेत में डालो और उसके बाद बताओ कि हम ये खाद असली है कि नकली है। नकली खाद लेकर के हमारे किसानों को ठगना बंद करो। कितने किसानों को कितना नकली खाद वितरण किया गया? सारा खाद पूरा प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से नकली खाद प्रति एकड़ 3-3 बोरी खाद दे रहे हैं और दबाव पूर्वक दे रहे हैं। उसके बगैर कोई यूरिया नहीं दे रहा है, कोई इप्को नहीं दे रहा है, कोई पोटास नहीं दे रहा है और ये जबरदस्ती उनको दिया जा रहा है। क्या डिमांड रखी गई है? ये डिमांड हमने रखा है कि वो जो कहते हैं पहले गलती किया उस गलती का लिए पैसे वापस दें, उनका जो किसानों के साथ कटौती किया है उसके साथ साथ इसका पैसा दे, ये हमारी इस सरकार से मांग। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों को नकली खाद दिए जाने के चलते उनकी फसल बर्बाद होने के कगार पर है और नकली कारोबार से कारोबारी मालामाल हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक चौंकाने वाली खबर आई है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अरविंद नेताम प्रदेश के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में कांग्रेस को खड़ा करने अरविंद नेताम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। खबर है कि अरविंद नेताम नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। पार्टी के गठन के साथ ही राज्य की दूसरी पार्टियां जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पार्टियों से भी गठबंधन किया जा सकता है। प्रदेश में 29 आरक्षित सीटें हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्रों की सीटों पर उनकी नजर है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634-700-619095 and 7081-890396 every day from 10 AM to 9 PM in front of Danteshwari Temple. कांगिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के उड़नदस्ता दल द्वारा सघन गश्ती कार्य के तहत कोलिंग साप्ताहिक बाजार में बस्तर वन मंडल कोलिंग के कर्मचारियों के सहयोग से गश्ती कर बाजार के आसपास करील जब्त किया गया। जगदलपुर से गए छोटे व्यापारी के द्वारा खरीदी कर शहरी क्षेत्र में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। कांगिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों द्वारा लगातार गश्ती कर जंगल एवं वन्य प्राणियों के सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ शहरी कोचियों के लालच में आकर ग्रामीण जंगल क्षेत्र से बास्ता काटकर बाजार में बेचने का प्रयास करते हैं। इससे जंगल में बांस वनों की वृद्धि होने में बाधा उत्पन्न होती है। कांगिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धर्मशील गणवीर ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल से बास्ता तोड़कर बाजार या शहर में बेचने वाले कोचियों की सूचना वन विभाग या संबंधित ग्राम इको विकास समिति को दें, ताकि बांस के वनों का संरक्षण और संवर्धन हो सके और भविष्य की पीढ़ी को इसका फायदा मिल सके।
गौरतलब है कि बांस के अंकुरित होने वाला तना बस्तर में बास्ता कहलाता है। बांस के कोम्पल को लोग यहाँ बड़े चाव से खाते हैं। बस्तर में बांस बहुतायत से होता है और वर्षा ऋतु में बांस का अंकुरण बड़े पैमाने पर होता है। बास्ता नए अंकुरित होते बांस के डंठल को पतले पतले चिप्स जैसे काटकर बस्तर के हाट बाजारों में बेचा जाता है। इसे रसेदार और सूखी सब्जी या फिर दाल और अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर भी पकाते हैं। ये आदिवासियों की प्रिय सब्जी है। गुरुवार को शहर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने छात्र छात्राओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई। कार्यक्रम दोपहर बाद स्कूल प्रांगण में आयोजित किया गया था। उन्होंने छात्र छात्राओं को आवश्यक एहतियात बरतने भी कहा। श्री जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की आदिवासी क्षेत्र के लिए महत्ता बताने के साथ उन्हें बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में आने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान CMHO डॉक्टर आर के चतुर्वेदी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सी मैत्री, एल्डरमैन सुरेंद्र झा, प्राचार्य श्रीमती मनीषा खत्री, सुचित्रा सामंत, नीति नेताम समेत स्कूल और चिकित्सा विभाग के स्टाफ तथा छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले, लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। आज गुरुवार को साढ़गुड़ के सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आयोजित युवा बिहान कार्यशाला और विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर जिला सहित दंतेवाड़ा जिले के अनेक छात्र छात्राएं शामिल हुए। इन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RSS के राष्ट्रीय पदाधिकारी इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम गाँव से पलायन नहीं करेंगे, गाँव को मजबूत बनाएंगे, मिलेट्स की खेती कर गांव में सोने की वर्षा करेंगे, हम सब भारतीय हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोलोक बिहार राय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के डॉक्टर वार्णिका शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री, कार्यक्रम संयोजक शेखर शर्मा, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह, धर्मपाल सैनी, डॉक्टर निशांत सक्सेना, सुशील पांडे, रमेश पांडे, तपन दत्ता, सुदीप रंजन पाल, आनंद झा सहित अन्य ग्रामीण जन और विद्यार्थी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय के गिदम रोड में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटना में बुधराम पिता रामू 23 वर्ष की मृत्यु हो गई है और 20 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों का जगदलपुर के डेमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस निर्देश के परिपेक्ष में कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें और देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दुकानों सहित FL3 होटल बार, FL7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भंडारागार जगदलपुर को पूर्णतः बंद कर रखे जाने आदेश जारी किया गया है। वहीं इस दिवस पर मदिरा का विक्रय ना होने पाए और ना ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार हो, ये सुनिश्चित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ईविप्रा उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड यूथ मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बस्तर और छत्तीसगढ़ सहित देश को पदक दिलाकर गौरवान्वित करने वाली बेटियां तनुप्रिया दत्ता, एंजिन श्रेया सोना और माही डोंगरे का बस्तर की पावन धारा पर स्वागत किया। राजीव शर्मा ने कहा कि हमें इन बच्चियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटियां और बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड यूथ मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप अबू धाबी में आयोजित प्रतियोगिता में एंजिन श्रेया सोना रजत पदक, तनुप्रिया दत्ता कांस्य पदक और प्रतिनिधित्व करने वाली माही डोंगरे को बस्तर
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को गौरवान्वित किया है। दुर्ग ग्रामीण निवासी द्वारा भाला फेंक से लेकर कई सारे खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किशन कुमार आज दुर्ग पुलिस का मान सम्मान फिर से बढ़ाया, जहां उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने पर अपना सबसे पहला आभार अपने गुरु मरोदा एथलेटिक क्लब NIS कोच श्री विनोद नायर सर का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे लगातार हौसला देते हुए मेरे विभाग में सबसे ज़्यादा मदद पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा एवं मेरी सबसे लगातार हौसला और मदद करने वाली थाना प्रभारी नेवई ममता मैडम का धन्यवाद किया, जिनके फलस्वरूप आज आरक्षक लगातार छत्तीसगढ़ पूरे साहू समाज का भी नाम गौरव कर दिखाया, छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान लाकर पुलिस विभाग का भी नाम गौरवान्वित किया। ये हमारे लिए दुर्ग पुलिस के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से आरक्षक किशन साहू जो है वो जैवलिन थ्रो में शॉटपुट में प्रदेश लेवल पे उन्होंने मेडल लाया है और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं वो लगातार प्रैक्टिस करें और हमारे दुर्ग पुलिस का साथ साथ ज़िले का और राज्य का नाम हमेशा मान बढ़ाएं और नाम बढ़ाएं और इसके लिए जो भी इनको आवश्यकताएँ होंगी वो उनको। फिटनेस के लिए अभी क्या होगा सर आगे जो आरक्षक या अन्य? फिटनेस के लिए हम लोगों के पास जिम ऑलरेडी अवेलेबल है, मैदान है, मतलब उसमें कभी किसी की कोई कमी नहीं है। अगर कोई और आवश्यकता बताई जाती तो हम उसको भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने SP साहब महोदय जी को और अपने RI सर और अपने TI महोदय ममतरी शर्मा जी, इन सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से मैं इस डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हुए जो भी मुझे टाइम मिलता था आप ड्यूटी के बाद मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ पूरी तरह से, ताकि मैं इस अपने छत्तीसगढ़ लेवल में कंटिन्यू बना रहूँ। और सर मैं लगातार अभी अब तक छत्तीसगढ़ में लगातार मेडल दे रहा हूँ मैं। इस बीच में सर मेरा 2012 में इंजरी हो गया था घुटने की वजह से, मैं कुछ साल नहीं खेल पाया, उसके ऑपरेशन के बाद मैंने पुनः फिर से स्टार्ट किया। जी मैं किशन कुमार और अभी आरक्षक के पद पे थाना नेवई में पदस्थ हूँ मैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर शहर में राखी का बाजार सजकर तैयार होने लगा है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। शहर के गोल बाजार में सजी राखी की दुकानों में ग्राहक पहुंचने लगे हैं। राखी का त्यौहार नज़दीक आते ही नई नई राखियां खरीदने पहुंचने लगे हैं। जिनके भाई दूर हैं वे बहनें इन दिनों राखी लेकर बाजार पहुंच रही है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष राखियां महंगी हुई है, वहीं मेटल की राखियों की मांग बढ़ी है। पहले स्टोन वाली राखी पसंद की जाती थी। राखी विक्रेता ने हमें बताया कि जो राखी पिछले वर्ष 20 रुपये में बिकती थी इस वर्ष 25 रुपये की हो गई है। मेरा नाम चिन्मय तिवारी है, मैं लोकल बस्तर जगदलीपुर का हूँ, मेरा घर पनारा पारा में है। मैं ये काम राखी दुकान में अपने पापा की मेरी दुकान है, मैं यहाँ 10 साल की उम्र से लगभग बैठ रहा हूँ। हमको ये काम करते हुए 24-25 साल हो गया लगभग। और बात रहा राखी की तो इस बार वैरायटी थोड़ी ज़्यादा आई है और थोड़ा महंगी है पिछली बार के मुकाबले। इस बार राखियों की रेट थोड़ी सी बढ़ चुकी है क्योंकि शहर में आजकल सबकी रेट बढ़ चुकी है, उसके चलते राखी की भी रेट बढ़ चुकी है इस बार। और वैरायटियाँ तो इस बार बहुत है, हाँ रेट भी थोड़ा सा महंगा है, हल्का मतलब ज़्यादा नहीं, 10% हो सकते कि बढ़ चुका है थोड़ी सी राखियों के। हाँ पिछले साल भी जिस राखी का रेट 15-20 रुपये था, आज वही 25 रुपये तक ही लगभग, हर किसी में थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ चुकी है। हाँ अभी और भी दुकान कम से कम भैया गोल बाज़ार में ही करीबन 20-25 दुकानें लग जाती है और पूरे शहर की माने तो करीबन 100-200 दुकान लगती चाहिए आराम से राखी की। इस बार नई राखी बहुत सी आई है भैया, बहुत डिज़ाइन इस बार नहीं आई है क्योंकि हर साल डिज़ाइन बदलता है। इस बार मेटल की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, पिछले साल से मेटल की डिज़ाइन ज़्यादा चल रही है। पहले स्टोन चलता था पर वो क्या चाइना से अधिकतर आता था, पर अब चाइना का आइटम बहुत कम हो गया जिसके कारण मेटल जो होता है कच्चा मेटल उससे राखी अब अधिकतर चलती है। भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व है रक्षाबंधन। हिंदू धर्म में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व है, हर पर्व की अपनी अलग विशेषता है। होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि के अलावा रक्षाबंधन का पर्व पूरे हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ये त्यौहार हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। जिला सेनानी नगर सेना और जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना जगदलपुर में एक अंशकालीन सफाई कर्मचारी यथा स्वीपर पद पर बाजार दर में भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बायोडेटा सहित आवेदन पत्र 14 अगस्त 2023 तक स्वयं उपस्थित होकर जमा करने की बात कही गई है। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही अभ्यर्थी को बस्तर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है।
भर्ती मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। अब स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें। आगामी दिनांक 11/8/2023 यानी शुक्रवार को विशाखापट्टनम के पिनेकल हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीबी के विद्याकर जगदलपुर के बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपस्थित रहेंगे। यूरिन रोग से ग्रस्त मरीज, मसलन यूरिन में रक्त प्रवाह, यूरिन त्याग के समय दर्द का होना, यूरिन प्रवाह में परिवर्तन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, किडनी स्टोन, एडिमा, युवावस्था में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर बीबी के विद्याकर से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक संपर्क कर अपना इलाज करवा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक सीताराम शिवालय के सामने की गली श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास बालाजी वार्ड जगदलपुर। अग्रिम पंजीयन हेतु आप डायल कर सकते हैं 6263362342 और 9424258746 पर। आगामी 12 अगस्त 2023 यानी शनिवार को पिनेकल हॉस्पिटल विशाखापट्टनम के सुप्रसिद्ध न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस दीपक जगदलपुर पहुंच रहे हैं। सिर पर चोट, सिर दर्द, फिट्स का आना, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, याददाश्त का खो जाना, नसों से संबंधित बीमारी, कमजोरी, ब्रेन ट्यूमर, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द के मरीज बालाजी पॉलीक्लिनिक जगदलपुर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर एमएस दीपक से संपर्क कर अपना इलाज करवा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक सीताराम शिवालय के सामने की गली श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास बालाजी वार्ड जगदलपुर। मोबाइल नंबर पर आप अग्रिम पंजीयन भी करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6263362342 और 9424258746। चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा नकली खाद वितरण को लेकर धरना प्रदर्शन और घेराव। बीजेपी के नेता केदार कश्यप ने कहा किसानों का पैसा वापस करे सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। विश्व आदिवासी दिवस के दिन रैली से लौट रहे हादसे से घायलों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। और शहर में सजने लगी राखी की दुकानें, मेटल राखी की बड़ी मांग। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD फार्मास्यूटिकल्स जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ।